जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उधर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है, या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि 29 तारीख को, यही महीने में जल समर्पित करना, जैसे इस पत्र में आया है, देखिए जरा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि उपाय से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचती रहे, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।